दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह स्टेज जो अच्छी तरीके से एकदम से तैयार किया गया है और एकदम से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और यह हमारे नरेंद्र है जो एकदम से हेलो बोल रहे हैं आप सभी को। तो अभी यहाँ पे खाना चल रहा है तो देख सकते हैं आप लोग सभी खाने खाने में एकदम से व्यस्त हैं। अभी हो गया खाना का समय और अभी आ रहे हैं वैसे देख सकते हो। ये हमारे हंसराज भी हैं और ये मुकेश है और भाई आपका नाम है चंद्र प्रकाश है और अब इंजॉय करें शादी भाई। आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार, एकदम से गदम का व्यू है। खा लो गाइस, आप भी खाना खाइए। तो गाइस यहाँ पे लगा है फ्रूट सेंटर, तो देख सकते हैं अंकल जी किस तरह से फ्रूट को एकदम से कट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये एक हमारे राजस्थान के अंदर एक रस्म निभाई जाती है जिनको हम बोलते हैं तोरण मारना। तो दोस्तों अब आपको जो दूसरी रस्म है उससे रूबरू करवाते हैं जिसमें दूल्हा और दुल्हन की जो माँ होती हैं वो दोनों निभाते हैं। वो किस तरह से निभाते हैं कि जो दुल्हन की जो माँ होती है वो दही और तिलक से इनका स्वागत करके ये रस्म निभाते हैं और इन रस्म को हम बोलते हैं दही देना। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं जो स्टेज प्रोग्राम है वो, तो अंत तक देखें वीडियो को और प्लीज़ कमेंट करना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो देखिए लास्ट तक, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लगा है चाट भंडार, आप लोग देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारी सिस्टर जिनका नाम है प्रीति। तो अभी ये दुल्हन लुक में आपको नज़र आ रही है और अभी जो वरमाला का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों अब जो हमारे जीजू हैं जिनका नाम संदीप जी हैं वो अभी प्रीति हैं उनको ऊपर स्टेज पे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी चल रहा है यहाँ पे फोटोशूट जो आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों एक रस्म ये भी होती है हमारे राजस्थान के अंदर जिसमें जो दुल्हन और दूल्हे के भाई के द्वारा ये निभाई जाती है, जिसमें ये क्या होते हैं कि यहाँ पे ये दुल्हन बैठना चाहती है लेकिन ये नेक मांगते हैं, नेक का मतलब कुछ पैसे वगैरह लेके यहाँ से उठेंगे तभी ये यहाँ पे बैठेंगे। तो दोस्तों अभी शुरू हो रहा है ये स्टेज का जो कार्यक्रम है वो, तो आप लोग बने रही हैं लास्ट तक, बहुत अच्छा होने वाला आज का ये हमारा ब्लॉग। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और आप लोग चैनल पे नए आए हो ना तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दें। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, जिससे क्या होता है नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी ही पहुँच जाएंगी। तो इसी तरह से हम जो हमारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो बोल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी वरमाला का समय हो चुका है तो एक दूसरे को ये वरमाला पहनाएंगे, देखते रहें आप लोग।